मैं जिला प्रशासन के रामनवमी तक के सभी कार्यक्रमों का बहिष्कार कर रहा हूं, जिला प्रशासन के सारे कार्यक्रमों का आज से लेकर के रामनवमी तक का एज ए प्रोटेस्ट हम लोग बहिष्कार करेंगे। हमसे ये मत उम्मीद कर लीजिएगा कि हम सड़क पर उतर करके लोगों को भड़काएंगे और दंगा फैलाएंगे, ये मेरा काम बिल्कुल नहीं है। मैं चाहता हूँ कि जो क्लब के बच्चे हैं उन पर कोई केस मुकदमा ना हो। सरकार गलत कर रही है, दमनकारी है। सकते हैं कि डीजे से दो एक ही नुकसान हो सकता था कि लोग कोई असंसदीय गाना बजा दें, कोई विवादित गाना बजा दे जिससे कि प्रॉब्लम हो जाए। आप खुद कह रहे हैं कि गाना बजेगा, चोंगा से गाना बजेगा, तो जब गाना बजेगा तो कोई भी गाना बजा लेगा। अगर आप कहते कि कोई भी वाद्य यंत्र अलाउड नहीं है तो भी हम मान लेते कि भाई चलिए, लेकिन आप केवल एक प्रतिबंध इसलिए लगाना चाहते हैं कि क्योंकि आप दूसरे समुदाय को खुश करना चाहते हैं कि देखो जी हमने हिंदू के पर्व में खलल डाला, उनके वैभव को कम किया, इसीलिए मैं इस सरकार को हिंदू विरोधी सरकार की संज्ञा देता हूं। और साथ ही मैं आ रहा हूं उसमें, मेरा कोई प्लान नहीं है, क्योंकि देयर इज नो प्लान, सच कोई प्लान की जरूरत नहीं है। मैं जिला प्रशासन के रामनवमी तक के सभी कार्यक्रमों का बहिष्कार कर रहा हूं, जिला प्रशासन के सारे कार्यक्रमों का आज से लेकर के रामनवमी तक का एज ए प्रोटेस्ट हम लोग बहिष्कार करेंगे और उम्मीद करेंगे कि एक शांति प्रिय ढंग से रामनवमी का त्यौहार जो है वो संपन्न हो जाए। हमसे ये मत उम्मीद कर लीजिएगा कि हम सड़क पर उतर करके लोगों को भड़काएंगे और दंगा फैलाएंगे, ये मेरा काम बिल्कुल नहीं है। मैं चाहता हूं कि जो क्लब के बच्चे हैं उन पर कोई केस मुकदमा ना हो। सरकार गलत कर रही है, दमनकारी है, उनको अवसर मिलेगा 2024 में इस सरकार को बदलने का, अपने वोट की ताकत से जो आज सरकार आप पर कर रही है 2024 में अपने वोट की ताकत से आप सरकार को दिखाइएगा। लेकिन कोई भी अप्रिय घटना हजारीबाग में नहीं हो, ये मेरा कामना है। और मैं अपने तरफ से सरकार के हर एक कार्यक्रम का आज से लेकर के रामनवमी तक पूर्णतः बहिष्कार करूंगा, ना तो उनके मंच पर जाऊंगा, ना उनका किसी भी तरीके का सहयोग या किसी भी तरीके का मीटिंग और ये सब जो होता है उसमें पार्टिसिपेट मैं नहीं करूंगा।